बिगेस्ट ऐसा स्टेप है या ऐसा फोकस है जिसमें सारा का सारा लोकल जो वहां पे पब्लिक है, जो लोकल युवक है, उन्हीं को रोजगार मिलेगा, कोई बाहर से नहीं आता है। मैं खुद भदोही से बिलोंग करता हूं, कालीन की जब बुनाई होती है तो हर घर में कालीन बुनाई का एक कार्ट चढ़ा हुआ होता है जिसपे चार पांच लोग वहां पे डेली दिन में चार घंटे पांच घंटे बुनते हैं और महीने के 5-6 हजार 8 हजार रुपए कमा लेते हैं। ये सेकेंडरी इनकम है। इसके बाद एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग से फायदा किसको होगा? वहां के किसानों को ही फायदा होगा ना, उनके अनाज, उनके फल को, उनकी सब्जियों को खरीदा जाएगा। तो ये पूरे के पूरे 10 में से 50% से ज्यादा अगर आप इन्होंने इंडस्ट्रीज जो सेलेक्ट की है वो लोकल रोजगार के लिए की है, तो इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी पूछे कि रोजगार कैसे क्रिएट होगा तो उसका आंसर ये है, आधे से ज्यादा सेक्टर ही उन्होंने ऐसे किए हैं जिसमें मजबूरी में इनको लोकल आदमियों को रखना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। और रोजगार अगर मिलेगा तो पलायन की जो समस्या है वो हुबहु मतलब अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी। लोग पलायन करेंगे ही नहीं, जब रोजगार खुद उनके प्रदेश में है तो पलायन की समस्या तो खत्म होगी ना। मनीषा, पलायन तो छोड़ दीजिए, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। देखिए, पलायन की सिचुएशन ही बदल जाएगी। अभी जो यूपी और बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं, देखिए यूपी डेवलप करेगा तो साथ में अपॉर्चुनिटीज बिहार, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद का बॉर्डर लगता है आपका, देखिए एमपी से पूरा यूपी का लगता है, 5-6 स्टेट से लगता है। तो ये रिवर्स जो है माइग्रेशन की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। 5 सालों के बाद होगा ये कि दूसरे स्टेट के लोग भी यहाँ पे आना शुरू कर देंगे। तो जो अभी देखिए पलायन, एक जगह से दूसरी जगह वर्कफोर्स का जाना, ये अपने आप में एक बहुत खर्चीला और टीडियस काम होता है। आधा भी अगर तनख्वाह मिलता है, यूपी और बिहार वगैरह या अगल बगल के लोग जो बाहर गए हैं, मान लीजिए अगर 25,000 रुपए कोई महीने कमाता है, उससे बेटर लाइफ स्टाइल उसका, उसके घर में अगर रोजगार मिल जाए, घर के अगल बगल मिल जाए 25, देखिए लिविंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, उनको रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता है, सोशल लाइफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा उनको हो जाता है क्योंकि फैमिली वगैरह के साथ वहां पे रहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज उतनी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट का हेल्थ पे भी जो है बहुत कम खर्चा होता है। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि पलायन का रुकना तो आप छोड़ दीजिए, ये रिवर्स माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर अगर इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। बिल्कुल, उसके लिए सक्सेसफुल होना जरूरी होगा, इसके लिए इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा कि आखिर निवेश के बाद उसका परिणाम क्या कुछ निकलता है। यहाँ पर बात रही निवेश की, और जाहिर सी बात है रोजगार आएगा, पलायन रुकेगा, इस तमाम चीजें होंगी, लेकिन अगर कोई भी निवेशक किसी प्रदेश में आता है, किसी भी क्षेत्र में निवेश करना चाहता है तो वहां का सोशल क्लाइमेट क्या है वो जरूर देखता है। और उत्तर प्रदेश में सोशल क्लाइमेट क्या पॉजिटिव है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा जिस तरीके से कासगंज दंगा हुआ था, जो हिंसा भड़की थी, ऐसे अगर हिंसाएं होंगी तो निवेशक डरेगा प्रदेश में आने से, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मनीषा, मैं आपको बताऊंगा, नेचुरल वे में अगर देखा जाए, हिस्टोरिकल वे में देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की जो पूरी फिलॉसफी है, मैं सारे स्टेटों में रहा हूं, वहां का नेचुरल सोशल क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बहुत वेलकमिंग है। मैं एक एक छोटे दूसरे स्टेटों में, तमिलनाडु वगैरह में, मैं एक एक गांव में जाके मैंने विजिट किया था, और ये मेरी हॉबी रही है कि वहां के सोशल क्लाइमेट और कल्चर को स्टडी करना। सोशल क्लाइमेट इंडिया के किसी भी स्टेट में बिल्कुल भी खराब नहीं है। ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको जानबूझ करके उठाया जाता है और सोशल क्लाइमेट को गड़बड़ किया जाता है। मैं नहीं मानता हूं कि यूपी में कोई सोशल क्लाइमेट है, मैं दिन रात घूमता रहता हूं, बहुत से लोग घूमते रहते हैं, उनको कभी कोई टारगेट नहीं करता है, रेयर छुटपुट घटना है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो हर जगह होती है, हर स्टेट में, इवन यूएसए में भी गन शूटिंग होती है जो कि सबसे डेवलप माना जाता है। ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे ऐसी मिस हैपनिंग नहीं होती है? मैं इसको टेकन एज ए ग्रांटेड नहीं लेता हूं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हाँ जी चलो कुछ तो होगा, इसको एक्सेप्ट करो। यहां पे भी मोदी योगी जी ने जीरो टॉलरेंस का उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। आप देखो कहीं ना कहीं उस पर अब काम भी हो रहा है, लेकिन इस बीच हम आपको लखनऊ ले चलते हैं जहां पर इंडस्ट्री समिट का आज दूसरा दिन है। तो भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2 दिन का ये पूरा आयोजन है, और पहले दिन हमने देखा कितना बड़ा वो आंकड़ा है जिस पर MOU साइन किया गया है, क्या आपको लगता है कि अब प्रदेश में अच्छे दिन आ जाएंगे? पहली इन्वेस्टर समिट है जी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, केंद्र के 18 मंत्री, विदेशी राजनयिक तक उपस्थित हुए हैं जी। पहली किसी भी इन्वेस्टर समिट के मुकाबले ये इन्वेस्टर समिट 100% सफलता प्राप्त करेगी जी। 50 लाख रोजगार अगले 5 साल में सृजित होने हैं, और विकास का अगर इसको राजनीति के तौर पर देखा जाए, क्या 2019 की तैयारी कह सकते हैं इसे? राजनीति जिन्हें देखनी है वो देखे, हम तो सबका साथ, सबका विकास और मानवीय आधार पर काम कर रहे हैं।
एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, बैंक फाइनेंस करता है 1 लाख रुपए का ऋण, तो ये पूछता है कि इससे रोजगार, एक रोजगार कम से कम सृजित होगा या नहीं होगा? जी। 4,28,000 करोड़ रुपए का जब MOU साइन हुआ है, अगर नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? कब तक खैर मनाएगी? अखिलेश जी, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि रोजगार भी आएगा प्रदेश में और विकास भी अब हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि विकास? जुमला है, जुमला 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 मैं गिनाता हूँ माननीय मुखिया, ये सब इवेंट मैनेजमेंट है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इवेंट है जी, इंटरटेनमेंट है। मोदी जी 2003 से ऐसा निराशावादी दृष्टिकोण रखकर समाज में काम नहीं हो सकता। अब तुम फारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या? 2019 हमारे सामने सर, टेक्निकल रीजन कोई एक बताइए, इनकी प्लानिंग में आपको क्या कमजोरी लग रही है सर? पॉलिटिकल व्यू छोड़ दीजिए, क्यों आपको ये जुमला लग रहा है सर, इसमें क्या कमी इनको नजर आ रही है? ये खुद जुमले बाज रहे हैं, इधर रखोगे कांग्रेस के मित्र खुद जुमले बाज रहे हैं और इनसे नेताओं की बात सुनने को जनता उपलब्ध नहीं है। प्लानिंग में क्या कमी है? और क्या लेंगे? चंद्रमा पर थूकेंगे, इनके मुंह पे गिरेगा। ये चोर मचावे तो सुनोगे तब ना बताऊंगा क्यों आना। आप बताइए सर, किनारा 2003 से लेकर के अब तक सर पास्ट छोड़ दीजिए सर, कल से बात करिए पास्ट में। पास्ट में कांग्रेस बीजेपी फेल हो गई, सब फेल हो गए मैं मानता हूँ, कल के प्लान में आप बताइए क्या कमी नजर आ रही है कि ये फ्यूचर में फेल होगा? कौन एंकर है? मैं फोन रख रहा हूँ। अखिलेश जी सवाल यही है कि 4 लाख, अखिलेश जी सवाल ये है कि 4,28,000 करोड़ के जो 1,045 MOU साइन हुए, क्या ये आपको जुमला लग रहा है? क्या जो तमाम उद्योगपति पहुंच रहे हैं निवेश कर रहे हैं वो आपको जुमला लग रहा है? सुनोगे पहले? जी सुनोगे जी, मैं आधार पे बात करता हूँ, मैं भाजपा नहीं हूँ, झूठ बोलता हूँ जी, सुनो पहले जी। 2003 से लेकर के 2017 तक माननीय मोदी जी ने 8 गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात का इन्वेस्टमेंट समिट किया है जी, आपको पता है ना जी। और इन 8 समिटों में माननीय मोदी जी ने 144 लाख करोड़ का MOU साइन किया, 144 लाख करोड़ का, कहिए तो ब्रेक के बता दूं जी। और 76,238 फैक्ट्रियां लगने का जी, 6% भी नहीं लगे हैं अभी तक, 6%, ये इन्हीं के सरकारी आंकड़े हैं, बीजेपी के सर, केंद्र और प्रदेश गुजरात की सरकार के जी, मैं हवा में बात नहीं करता जी। और सुन लो आप, ये फैक्ट्री लगाएंगे मेगा फूड पार्क अमेठी से, ये बंद करा दिए जी, अमेठी से IIIT जो चलता हुआ थी था, 10 साल से चल रहा था, उसे बंद करा दिया। ये जो नेट्रिप है, हिंदुस्तान में सिर्फ 4 है, वो यहाँ लग रहा था, उसको बंद करा दिया, करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जी। ये जो जगदीशपुर पेपर मिल 30-40 हजार करोड़ की यूनिट थी, वो बनती हुई उस पेपर मिल को बंद करा दिया, दर्जनों इंडस्ट्री अमेठी से बंद करा दिए, ये आपको पता है, ये इंडस्ट्री लगाएंगे। लेकिन अगर कोई सराहनीय की जा रही है, अगर कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं तो उसमें सहयोग करिए ना, विपक्ष सहयोग भी तो कर सकता है। कोई पहल नहीं है, सुनिए प्लीज प्लीज, पहल तो 2003 से गुजरात में भी हो रही ना, ये इवेंट है, ये सरकार से रोज इवेंट करती है जी, काम बस इसका नहीं है, मैं आधार पे बात करता हूँ, हवा हवाई जुमलेबाजी नहीं करता जी। मैंने आपको गिनाया कि ये ब्रेकअप भी बता सकता हूँ, किस समय कितने का MOU साइन किए, सब नेट पे है, सरकार सब चीज आजकल वेबसाइट पे ढूंढ लीजिए आप जी, ना हो तो मुझसे तैयार भी सुना दे रहा हूँ। नहीं नहीं अखिलेश जी, AK मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस इकोनॉमी और पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। AK मिश्रा जी, क्या आप सहमत हैं अखिलेश जी की बातों से कि ये मतलब ये जुमलेबाजी हो रही है, सब दिखावा हो रहा है? नहीं देखिए, ये एक पॉलिटिकल व्यू है, मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं तो आप इनकी जो प्लानिंग है, क्यों उत्तर प्रदेश में ये चीज सक्सेस होगा, हो सकता है इसके पहले सारी कांग्रेस बीजेपी सपा सबकी सरकार थी, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये जो प्लान है ये इनकी एक राजनीतिक मजबूरी भी है, मैं आपको बता दूं, और आर्थिक जरूरत भी है, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने पूरी प्लानिंग की है, जिस हिसाब से ये सिंसियर और सीरियस है इस चीज को लेकर, ठीक है एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आए जितना रखा है, लेकिन डेफिनेटली एक बेटरमेंट तो होगा ही होगा। सुनिए सुनिए, जब हो जाएगा तब बात करिएगा, हम जब
दो लाख करोड़ नौकरियां मिली, चार साल में क्या किया मोदी जी ने, मैं तो गिनाता हूँ यूपी से कितने फैक्ट्रियां बंद कराई उन्होंने, बनाई बंद कराई कि नहीं बंद कराई। सर मैं आपको एक चीज सर देखिए, सिर्फ हवा में सुनिए, झांसे में रखना जो काम है बीजेपी का, अब होगा। नहीं नहीं, मैं देखिए अखिलेश जी मैं ये बोल रहा हूँ, आप कल के पहले का आप छोड़ दीजिए, किसने गो किया किसने नहीं किया, बहुत सारी चीजें हर पार्टी के ऊपर है। अगर ऐसा कांग्रेस की, सर एक मिनट, यूपी में सबसे ज्यादा सरकार जो है कांग्रेस की रही है सर, क्यों नहीं यूपी जो है चाइना बन गया, क्यों नहीं यूपी जापान बन गया सर, क्यों नहीं बना? हाँ क्या अब जापान के बराबर सर, यूपी में लिटरेसी रेस और पर कैपिटा जो है आप देखेंगे तो सबसे कम है। अरे सुनिए, 89 तक हम थे, 89 तक कांग्रेस थी, क्या हुआ यहाँ पे, क्या सर आप बताओ ना कौन सा यूपी देखिए ग्रोथ हुआ था। मैं देखिए अखिलेश जी, बैठ के मोदी कीर्तन करते रहिए। नहीं नहीं, मैं मोदी कीर्तन नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इस चीज को मानता हूँ कि ग्रोथ और नए निर्माण सारे सरकारों ने किए हैं, चाहे सपा बसपा का हो। सवाल ये है क्या यूपी में कितना पोटेंशियल है, उतना सिंसियर इफर्ट किया गया। धन्यवाद, चलिए अखिलेश जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष अगर मुद्दा उसको उछालने की जगह इस पर सवाल खड़े करने की जगह सहयोग करेगा तो ये और बेटर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे और बेटर तरीके से जिसमें जो इम्प्लीमेंट है वो हो पाएगा। और कहीं ना कहीं आज हम चर्चा यही कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स समिट में तमाम जो निवेशक आए हैं, जो निवेश किया उससे क्या कुछ फायदा प्रदेश को होगा, रोजगार